हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव सीरीज वन करेंगे, जिसमें हम लोग ऑप्टिक्स यानी रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। आज हम लोग सीरीज वन में 1 से लेकर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। तो स्टूडेंट्स, कॉपी कलम निकालिए और रेडी हो जाइए। और मैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ सेकेंड दूंगा मैं, ठीक है? आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनें और अपना जो है टेस्ट करें कि आप कितना सही मार पा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कितना आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दो, पहले लाइक कर दो सब कोई, ठीक है? शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को लाइक करो। तो आइए स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स ऑब्जेक्टिव सीरीज वन। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है, ऑब्जेक्ट से छोटा वर्चुअल इमेज निम्नलिखित में किस दर्पण से प्राप्त होता है? यानी ऑब्जेक्ट से छोटा भी है और वर्चुअल यानी काल्पनिक प्रतिमा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है? प्लेन मिरर। दूसरा क्या है? कनकेव मिरर। तीसरा क्या है? कन्वेक्स मिरर। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। प्लेन यानी समतल दर्पण, कनकेव अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। तो सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा। चलो मैं कुछ सेकंड के लिए आपको समय भी देता हूँ। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कि ऑब्जेक्ट से छोटा और काल्पनिक यानी वर्चुअल इमेज निम्नलिखित में से किस दर्पण में बनता है? उत्तल, अवतल, समतल, नन ऑफ दिस। चलो अगर आप मार लिए होंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन ए का जो सही ऑप्शन होगा वो है कन्वेक्स मिरर, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले प्लेन मिरर को समतल दर्पण कहा जाता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या होती है। यहाँ पर दिया है +5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया है -5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया है इन्फिनाइट अनंत और डी दिया है 0। तो बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा, ठीक है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है प्लेन मिरर का, चलिए मैं कुछ सेकेंड का समय दे रहा हूँ आपको। फिर से एक बार सोचिए क्वेश्चन में, प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है +5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर, इन्फिनाइट 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, यानी इन्फिनाइट होगा, ठीक है? चलिए आप पिला लीजिए आपका सही है या गलत। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 कि अपवर्तन का कारण क्या है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जो अपवर्तन की घटना होती है उसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है स्पीड ऑफ लाइट में परिवर्तन के कारण। दूसरा ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट में परिवर्तन नहीं होने के कारण। सी है कलर ऑफ लाइट में परिवर्तन के कारण और डी ऑल रीजन यानी सभी कारण। जी मैं कुछ सेकंड का समय देता हूँ और एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए और मिलाइए, अपवर्तन का कारण क्या है? तो जब स्टूडेंट्स मैंने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया था या 4 में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन, तो मैंने वहाँ पर बहुत सारा कंसेप्ट बताया था, थ्योरी बताया था, डायग्राम के माध्यम से डिफिनेशन लॉ जितना भी कंसेप्ट है मैंने बताया था। तो मैंने बताया था कि डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होने के कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएँ घटती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है 3 नंबर का वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आप मिला लीजिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने कि किस कारण से हवा का बुलबुला यानी ईयर ड्रॉप पानी के अंदर चमकता नजर आता है। आप देखते हैं कि पानी के अंदर जब कोई हवा का बुलबुला होता है तो वो काफ़ी शाइनिंग करता है, चमकता हुआ नजर आता है। तो ये जो घटना है वो किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, परावर्तन के कारण। दूसरा ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण। डिफ्रैक्शन, विवर्तन के कारण। और ऑप्शन डी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। स्टूडेंट्स आप लोग पहले लाइक कर दो, सब कोई वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूं आप लोग के लिए, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है? तो किस कारण से हवा का बुलबुला एयर ड्रॉप पानी के अंदर चमकता नजर आता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका सही ऑप्शन चार नंबर का हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने मिरेज का घटना बताया था, ठीक है, आप लोग जाके एक बार देख लीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक को। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 कि जब लाइट ग्लास में प्रवेश करती है तो इसका वेव लेंथ, मैंने बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो स्पीड, इंटेंसिटी, वेव लेंथ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कहता है ऑप्शन ए में इंक्रीज्ड, बढ़ता है, यानी सीधी सी बात है कि हवा से जब वो ग्लास कांच में प्रवेश करेगा तो वेव लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, डिक्रीज, घटेगा, कॉन्स्टेंट यानी नियत रहेगा, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलो स्टूडेंट्स, मैं कुछ सेकंड का समय दे रहा हूँ आपको, फटाफट आप सोचिए और क्या होगा इसका ऑप्शन मुझे बताइए। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, अदर स्टेट बोर्ड में भी पूछा जाता है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। जब लाइट ग्लास में प्रवेश करती है तो इसका वेव लेंथ इंक्रीज्ड, बढ़ता है, डिक्रीज्ड, कॉन्स्टेंट रहता है, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5 का, डिक्रीज यानी घटता है। तो एकदम आप टिकआउट कर लीजिए और मिला लीजिए कि क्या आपका सही है या गलत। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स है अपवर्तनांक से रिलेटेड कि वाटर और ग्लास का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। पहले समझिए, वाटर पहले दिया है, दूसरा क्या दिया है, ग्लास। वाटर का कितना है 4/3 और ग्लास यानी कांच का 3/2 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर का कांच की अपेक्षा, यानी वाटर का किसकी अपेक्षा, कांच को ग्लास बोलते हैं, ग्लास की अपेक्षा अपवर्तनांक होगा। तो मैंने बताया था क्या होगा, म्यू डब्ल्यू बट्टे म्यू जी। तो स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूला में म्यू डब्ल्यू और म्यू जी का मान रख दीजिए और देख लीजिए क्या होगा। चलिए बना लिए, तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 9/8, डी नंबर ऑप्शन है 8/9। तो स्टूडेंट 6 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 8/9 होगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है, मिला लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 7 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड। मैं पढ़ता हूँ, वाटर तथा ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रमशः 4/3 तथा 5/3 है। एक लाइट की किरण ग्लास से वाटर में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, यानी क्रांतिक कोण क्या होगा। यहाँ से सीधी सिंपल से पहले देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, हड़बड़ी करने की कोई जरूरी नहीं है। वीडियो को रोक दीजिए, पढ़िए, तब जाके आप सॉल्यूशन कीजिएगा, तब बोलिएगा, ठीक है, पॉज कर दीजिए वीडियो को। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 और ग्लास का कितना है 5/3, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3 और म्यू जी बराबर 5/3। अब यहाँ से मेन कंसेप्ट इस लाइन से, एक लाइट की किरण ग्लास से वाटर में प्रवेश कर रहा है, जी हाँ यहीं से, यानी ग्लास से वाटर में प्रवेश कर रहा है यानी जा रही है, तो क्रिटिकल एंगल, तो मैंने बताया था फॉर्मूला साइन सी बराबर, उसके बाद आप आगे लगाइए, यही तो फॉर्मूला मेन है, 1/2 क्या होगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स अगर आप इसको बना लिए होंगे तो इसका जो सही ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले बना लीजिए और तब मिलाइए, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए साइन इनवर्स 4/5, क्योंकि साइन उधर जाके इनवर्स में चढ़ जाएगा, ठीक है, मिला लीजिए। नहीं तो आप क्रिटिकल एंगल जिसमें मैं पढ़ाया था वहाँ पर मैंने बहुत सारा नंबरिकल बनाया था, बहुत ही ईजी है, आप जाके एक बार देख लीजिए। क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक, तो फिर सब कुछ क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, आप सही ऑप्शन नहीं मार सकते, क्योंकि फिजिक्स में रट्टा नहीं, इसमें कंसेप्ट है, थ्योरी है, तो आपको समझना पड़ेगा। अगर जब तक आप समझते नहीं है तो सब बेकार हो जाएगा। कुछ ही क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट होंगे, जैसे 8 नंबर आइए देखते हैं। क्रिटिकल एंगल के लिए आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो मैंने बताया था कितना होना चाहिए 45 डिग्री, ऑप्शन बी में 180 डिग्री, सी में 0 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो क्या होना चाहिए, सही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, जैसे डायरेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ, ये भी क्रिटिकल एंगल से है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम किस कलर के लिए होगा, तो सबसे कम जो होगा वो होगा वायलेट के लिए होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और सबसे ज़्यादा जो होगा वो किसके लिए होगा, रेड के लिए होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जो है
अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार ये सब क्वेश्चन को रिपीट 2-4 बार हर साल रिपीट करते हैं। मैं जितने भी ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, आप देखेंगे कि यहाँ से आपका कम से कम मिनिमम 20 में 2 या 3 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में एकदम डेफिनेटली रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। पहले समझिए क्वेश्चन क्या बोला है, कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सही है, यानी 4 कथन दिया है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। चलिए ए में दिया है कि 20 सेंटीमीटर पर रखिए, चलिए ए नंबर में लिख देता हूँ, यू बराबर 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से क्या होता है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट का इमेज भी 20 cm पर बनेगा, तो आपको f का मान 10 लेना है, u का मान -20 लेना है और v का मान निकालना है। अगर v का मान 20 निकल जाता है तो इसका मतलब है क्या, ये नंबर सही होगा। तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है 10 सेंटीमीटर पर रखिए वस्तु, चलो बी नंबर भी ले लेता हूँ, यू बराबर -10 सेंटीमीटर। और प्रतिमा अगर अनंत पर बनता है, ठीक है, यानी भी बराबर अगर इन्फिनाइट पर बनता है तो इन्फिनाइट पर बनना चाहिए इमेज, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो आप देख लीजिए कि जब 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट पर रखेंगे तो 20 सेंटीमीटर पर इमेज बनना चाहिए, और जब 10 सेंटीमीटर वस्तु पर रखेंगे तो ये बनना चाहिए। अगर ये और ये दोनों सही हो गया तो बॉथ ए और बी करेक्ट हो जाएगा, और दोनों अगर गलत है तो डी नंबर हो जाएगा। अगर ए सही है तो ए सही होगा, बी भी, तो दोनों को आपको सॉल्यूशन करके देखना होगा, ठीक है, ये नंबरिकल है। चलो स्टूडेंट्स, अगर आप सॉल्यूशन कर लिए हैं पॉज करके सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा, ना तो ये मैचिंग करेगा ना तो ये मैचिंग करेगा, क्योंकि मैं सॉल्यूशन करके देख लिया हूँ, ठीक है, आप लोग भी सॉल्यूशन करके देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 11 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर। मैंने बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो प्रकाश की इंटेंसिटी में लॉस किए बिना काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक लाइट को ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्टिकल फाइबर एक ट्रांसमिशन लाइन है, एक पेप गाइड है, बहुत ही और बी से ही, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैंने पढ़ाया था ऑप्टिकल फाइबर, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नन जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्टिकल फाइबर, चलिए ऑप्शन ये दिया है, स्कैटरिंग प्रकीर्णन पर, बी नंबर रिफ्रैक्शन अपवर्तन पर, सी डिस्पर्सन वर्ण विक्षेपण पर, और डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, ठीक है। चलिए मिला लीजिए सब कोई, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लाइक कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, अरे क्या लगा हुआ लाइक में, ठीक है। चलो 13वां जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका सामने कि ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को कहा जाता है, डैश डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोर, मेडुला, रिफ्लेक्शन, मिरेज, क्या कहा जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को मैंने पढ़ाया था कि क्या कहा जाता है, क्रोड कहा जाता है, और क्रोड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेवलेंथ बढ़ने से अपवर्तनांक का वैल्यू इंक्रीज्ड बढ़ता है, डिक्रीज्ड घटता है, सी कांस्टेंट रहता है, डी नन ऑफ दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को तो पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए आपका कितना सही हो रहा है, फिर बाद में आप एक एक क्वेश्चन को मतलब कि उतार लीजिएगा। तो वेवलेंथ बढ़ने से अपवर्तनांक का वैल्यू जो है वो क्या होता है, घटता है, यानी डिक्रीज करता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो तो अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, आपके सामने है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़िए अच्छी तरह से और समझिए, तब ऑप्शन ढूंढिएगा। ऑब्जेक्ट से बड़ा, 1 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन जो है लगभग मिलता जुलता, वहाँ पर बोला था कि छोटा, ठीक है, और वर्चुअल बोला था, लेकिन यहाँ पर कहता है बड़ा वर्चुअल। तो स्टूडेंट्स, बड़ा ऑब्जेक्ट
यानी छोटा तो हमेशा किसमें बनता है, कन्वेक्स में, और बड़ा और वर्चुअल जो है वो किसमें आपका बनता है, कनकेव मिरर में। तो 15 का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक पिन होल कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जो छोटा छिद्र वाला कैमरा होता है वो किस पर आधारित होता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी कई बार पूछा जाता है। रिफ्रैक्शन अपवर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लाइट के लीनियर प्रोपेगेशन पर। तो स्टूडेंट्स, इसका जो 16 का सही ऑप्शन होगा वो होगा लाइट का लीनियर प्रोपेगेशन, रेखीय गमन पर आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, ठीक है, तो बाद में उसका आंसर ढूंढिएगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलती है। तो स्टूडेंट्स, क्या नहीं बदलती है, मैंने बताया था आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश की अपवर्तन घटना में कि तीन चार चीज़ बदल जाती है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलती है, क्योंकि वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। चलो, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, स्पीड। तो क्या नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलो, मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, शून्य में प्रकाश डैश डैश मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है। पहले ये समझिए कि शून्य होता क्या है। शून्य निर्वात को, वैक्यूम को कहा जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी कंसेप्ट को छोड़ देता है, जिसके कारण उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गलत हो जाता है और पूरा का पूरा नंबर नहीं ला पाता है। तो आप टाइम्स कैरियर के साथ जुड़ जाइए, तौकीर सर के साथ जुड़ जाइए, आपका 100% ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगला इसका जो सही है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट स्टूडेंट्स, टू लास्ट क्वेश्चन बचा है। चलिए, दोनों क्वेश्चन को हम देखते हैं, पढ़ते हैं। 19 नंबर में है कि अगर दो समतल दर्पण प्लेन मिरर एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो तो उनके बीच नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। मैंने बताया था 360/θ-1। तो थीटा का मान कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। तो रखिए आप, जो 36-1 बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सी नंबर सही ऑप्शन होगा, यानी 5। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अगर आवर्धन m का वैल्यू 1 हो तो दर्पण होगा। मैंने लेक्चर नंबर 9 में जब मैग्निफिकेशन में पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत ही डीप एंड डिटेल बताया था, और मैंने ये भी बताया था आपको कि ये सब नोट कर लीजिए, ये सब अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो अगर आवर्धन का वैल्यू 1 हो तो दर्पण होगा 1 से ज़्यादा, कम, कब, किस कंडीशन में। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 हो तो इन दिस कंडीशन मिरर इज प्लेन मिरर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी। तो स्टूडेंट्स, आप मिला लीजिए, ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला टेस्ट सीरीज नंबर 2 में हम लोग 21 से लेके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना सही हुआ। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में टाइम्स कैरियर में अगर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।